भारतीय संविधान में अध्याय 4 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ तुरंत प्रश्न उपस्थित होता है कि मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार में क्या अंतर होता है। मौलिक अधिकार और साधारण अधिकारों में अंतर के बारे में विचार करते समय हमें ये समझना होगा कि साधारण अधिकार किसे कहते हैं। साधारण अधिकार राज्य की व्यवस्थापिका अर्थात संसद द्वारा या राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जो पारित कानून है उन्हें साधारण अधिकार कहा जाता है। साधारण कानून द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति के अधिकार निर्धारित होते हैं। साधारण कानूनों को संसद द्वारा सामान्य बहुमत से बदला जा सकता है। इसी प्रकार राज्यों की विधानसभा राज्य के विषय में राज्य सूची पर बनाने वाले सामान्य कानूनों को निर्मित करती है और उन्हें परिवर्तन भी सामान्य बहुमत द्वारा कर सकती है। साधारण अधिकारों की न्यायपालिका द्वारा रक्षा का कार्य संविधान नहीं करता है, अर्थात साधारण अधिकार जो हैं उन्हें संसद ही बनाती है, संसद ही परिवर्तित करती है और संसद ही उन्हें समाप्त कर सकती है, संशोधन कर सकती है। उनके लिए किसी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जिस प्रकार मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है, साधारण अधिकारों के संरक्षण की गारंटी नहीं दी गई है। सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकारों के उद्देश्य समान हो सकते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार को समानता प्राप्त हो। मौलिक अधिकार संविधान में लिखित होते हैं, संविधान द्वारा इन्हें लिखा जाता है, संविधान में उल्लिखित होते हैं और नागरिकों को ये अधिकार जो दिए जाते हैं मौलिक अधिकार, ये संविधान निर्मात्री सभा द्वारा संविधान में इन्हें प्रतिष्ठित किया जाता है। राज्य और व्यक्ति के संबंधों को मौलिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु जब संविधान बना उस समय साफ लिखा गया था कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के बेरूबेरी जो मुकदमा है उसके आधार पर यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ये निर्णय देता है कि संसद कानूनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। परंतु दूसरी ओर जब 1970 में दोबारा मुकदमा आता है, उस मुकदमे में ये कहते हैं न्यायपालिका कि संसद कार्यपालिका अर्थात संसद का कार्य क्षेत्र परिवर्तन का संशोधन का अधिकार क्षेत्र है और इस अधिकार क्षेत्र के तहत ड्यू टू प्रोसेस प्रक्रिया को अपनाकर संसद कानून जिस प्रकार परिवर्तित कर सकती है संविधान को भी परिवर्तित कर सकती है। परंतु संविधान में परिवर्तन का जो आधार है वो परिवर्तन का आधार बहुमत के निर्णय द्वारा होता है। मौलिक अधिकार जो है ये संविधान में निहित अधिकार हैं जो नागरिकों को 7 प्रदान किए गए थे, परंतु बाद में इन्हें 6 मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को परिवर्तित कर दिया गया। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को स्पेशली प्रदान किए जाते हैं और मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय में संरक्षण प्राप्त होता है। अगर उन अधिकारों का कोई हनन करता है या उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की या नियम बना दिए जाते हैं तो नागरिक उन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में जाकर गुहार लगा सकता है, उन अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों के हितों के लिए समाविष्ट हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम रहे हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। इनके अभाव में व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का निर्माण और विकास नहीं कर सकता है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार नागरिकों को वह परिवर्तन परिवेश प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति कार्य करते हुए अपना विकास कर सकता है। जैसे बोलने का अधिकार अर्थात
मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस प्रकार के कार्य जो है स्वतंत्रता रूप से नागरिक को दिए जाते हैं। अर्थात जब उसे बोलने का अधिकार होगा तभी वह अपनी बात रख पाएगा, तभी वह जनता को अपने बात के बारे में बता पाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार एक और समानता की स्थापना की बात करते हैं, दूसरी ओर स्वतंत्रता की बात करते हैं, शोषण से मुक्ति की बात करते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार जो है उनमें और साधारण अधिकार में बेसिक अंतर यह है कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा रक्षित होते हैं, मौलिक अधिकारों में सामान्य विधि द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकार होते हैं, और मौलिक अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए होते हैं, और मौलिक अधिकार निर्मित और लिखित संविधान के अंदर लिख दिए जाते हैं, अर्थात उसमें उसके प्रावधान और धाराएं होती है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अतः मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार दोनों में फर्क है, क्योंकि साधारण अधिकार संसद बनाती है, मौलिक अधिकार संविधान बनाता है। साधारण अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में व्यक्ति जाकर रक्षा करता है, साधारण अधिकार के लिए वो रक्षा के लिए बाध्य नहीं है। मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता हो, जबकि साधारण अधिकारों को परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार में अंतर पाया जाता है, और मौलिक अधिकार नागरिकों के मूलभूत अधिकार कहलाते हैं जिन्हें संविधान में उल्लिखित किया जाता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आगे हम मौलिक अधिकारों के महत्व की बात करें। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार नागरिकों के व्यापक अधिकार हैं जो उन्हें विकसित करने में सहयोग प्रदान करते हैं। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिक तथा जन कल्याण के दृष्टिकोण से इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये मूलतः अबाध अधिकार नहीं है, युक्तियुक्त प्रतिबंध इन पर लगाया जा सकता है, और मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का महत्व अगर हम देखें तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के सामाजिक जीवन में अंतर्निहित होते हैं। मौलिक अधिकारों के बिना नागरिक का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास संभव नहीं है। मौलिक अधिकार सदैव सापेक्ष होते हैं। मौलिक अधिकार का उपयोग सामाजिक प्रसंग में होता है। मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अतः मौलिक अधिकार स्वच्छंद अधिकार नहीं है, निर्बाध अधिकार नहीं है। इन पर भी आवश्यकता राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा और विदेशी आक्रमण और इसी के साथ आपातकाल, ऐसी विकट स्थितियों में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। केवल जीवन की सुरक्षा और शोषण के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकारों पर ये बात लागू होती है। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अंतर को हमने समझा, मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये हमने समझा, मौलिक अधिकारों के महत्व को हमने इस वीडियो में समझा है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से लाभ अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। समझ में नहीं।